क्वेश्चन नंबर थ्री द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शोज़ द डेली पॉकेट अलायंस ऑफ चिल्ड्रन अ लोकेलेटी एक सोसाइटी में बच्चों को जो डेली पॉकेट मनी मिलता है उसका हमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है और मीन पॉकेट अलायंस इज़ रुपीज़ एटीन उसका एवरेज भी दिया गया है फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी तो हमें यहाँ पे जो डेटा दिया गया है, हम देख लेते हैं डेली पॉकेट अलायंस एलेवन टू थर्टीन रुपीज़ सेवन बच्चों को मिलते हैं थर्टीन टू फिफ्टीन पाने वाले छः बच्चे हैं पंद्रह से सत्रह रुपए डेली पॉकेट मनी जिनको मिलता है वो नौ बच्चे हैं ऐसे अलग अलग हमें डेटा दिया है हमें फाइंड करना है फ्रीक्वेंसी यानी कितने बच्चों को नाइनटीन से ट्वेंटी वन रुपीज़ पॉकेट मनी मिलता है डेली तो हम यहाँ पे क्योंकि हमें मीन दिया गया है तो हम यहाँ पे टेबल बना लेते हैं डेली पॉकेट मनी के लिए हमने यहाँ पे क्लास इंटरवल शो कर दिए नंबर ऑफ चिल्ड्रेन इज रिप्रेजेंटिंग द फ्रीक्वेंसी तो हमने वो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे शो कर दी है और इसका टोटल भी कर दिया है दैट इज सिग्मा एफ आई दैट विल बी फोर्टी फोर प्लस एफ इट इज़ रिप्रेजेंटिंग द टोटल ऑफ द फ्रीक्वेंसी अब हम यहाँ पे क्लास मार्क फाइंड कर लेते हैं क्लास के लिए दैट इज़ द मिड वैल्यू इलेवन और थर्टीन का मिड वैल्यू है ट्वेल्व थर्टीन और फिफ्टीन का मिड वैल्यू होता है फोर्टीन ऐसे ही हम सभी क्लासेस के लिए मिड वैल्यूज़ लिख लेते हैं ट्वेंटी देन ट्वेंटी टू 24 ट्वेंटी फोर अब हम क्या करेंगे इन सब मिड वैल्यूज़ में से एक को एज्यूम कर लेंगे एज अ मीन सो दैट विल बी अवर एज्यूम्ड मीन दैट इज़ एटीन फिर हम डी की वैल्यू फाइंड करेंगे एक्स आई माइनस ए करके तो ट्वेल्व माइनस एटीन इट विल बी माइनस सिक्स फोर्टीन माइनस एटीन इट इज़ माइनस फ़ोर सिक्सटीन माइनस एटीन माइनस टू एटीन माइनस एटीन इट विल बी जीरो ट्वेंटी माइनस एटीन टू ट्वेंटी टू माइनस एटीन फोर ट्वेंटी फोर माइनस एटीन इट विल बी सिक्स तो यहाँ पे हमें डी की वैल्यू मिल जाती है अब हम क्या करेंगे एफ आई डी आई एफ और डी का मल्टीप्लाई करते जाएंगे सो इट विल बी सेवेन सेवन सिक्स ज़ा फोटी टू सिक्स फ़ोर ज़ा ट्वेंटी फ़ोर नाइन टू ज़ा एटीन थर्टीन ज़ीरो ज़ा ज़ीरो एफ़ इंटू टू दैट विल बी टू एफ़ फाइव इंटू फोर फाइव फोर ज़ा ट्वेंटी सिक्स फोर ज़ा ट्वेंटी फ़ोर अब यहाँ पे हमें फ़ाइन करना है सिग्मा एफ़ आई डी आई सो द इजी वे टू ऐड दीज एंड टू फाइंड द टोटल इज़ सी माइनस ट्वेंटी फ़ोर प्लस ट्वेंटी फ़ोर इसको हम यहाँ पर ही कैंसिल कर देते हैं ओके okay, हमारी कैलकुलेशन ईज़ी करने के लिए नाओ माइनस फोर्टी टू माइनस एटीन दिस विल बी माइनस सिक्सटी ये हो जाएगा माइनस सिक्सटी एंड प्लस में है हमारे पास ट्वेंटी सो माइनस सिक्सटी प्लस ट्वेंटी इट विल भी माइनस फोर्टी प्लस टू एफ़ टू एफ़ एज़ इट इज़ रहेगा सो so, यहाँ पे जो सिग्मा एफ़ आई डी आई वैल्यू आई दैट इज़ माइनस फोर्टी प्लस टू एफ अब हम यहाँ पे मीन का फॉर्मूला यूज़ करेंगे दैट इज़ एक्स बार इज इक्वल्स टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई डिवाइड बाय सिग्मा एफ आई मीन की वैल्यू हमें गिवन है दैट इज़ एटीन एज्यूम्ड मीन हमने माना है एटीन सिग्मा एफ़ आई डी आई की वैल्यू आती है माइनस फोर्टी प्लस टू एफ़ सिगमा एफ़ आई की वैल्यू दैट इज़ फोर्टी फोर प्लस एफ अब हम यहाँ पे क्या करेंगे ये एटीन को लेफ़्ट में ले जाएंगे सो इट विल बी एटीन माइनस एटीन इक्वल्स टू माइनस फोर्टी प्लस टू एफ़ डिवाइड बाय 44 फोर प्लस एफ एटीन एटीन कैंसिल हो जाता है साइड में हमारे पास बचता है ज़ीरो ज़ीरो इज़ इक्वल टू माइनस फोर्टी प्लस टू एफ़ डिवाइड बाय फोर्टी प्लस एफ़ अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो डिनोमिनेटर ज़ीरो के साथ मल्टीप्लाई होके ज़ीरो हो जाएगा तो हमारे पास बचता है ज़ीरो इज़ ईक्स टू माइनस फोर्टी प्लस टू एफ़ माइनस फोर्टी को भी लेफ़्ट में ले जाएंगे तो फोर्टी इज इक्वल टू टू एफ़ तो एफ़ का वैल्यू हमें मिल जाता है फोर्टी डिवाइड बाई टू दैट इज़ ट्वेंटी तो जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी है उसका वैल्यू है ट्वेंटी